लॉकडाउन के दूसरे चरण में शुक्रवार को झमाझम बारिश और पुलिस की मुस्तैदी के कारण महानगर की सभी सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। इस दौरान शहर में आने वाले लोगों को पास और मास्क चेक करने के बाद ही जाने दिया गया। इस संबंध में एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया, लॉकडाउन का 100% पालन करवाया जा रहा है, सभी लोग घरों में सुरक्षित हैं। जो लोग अनावश्यक सड़कों पर घूम रहे हैं उनको पुलिस थाने में ले जाकर मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई कर रही है। इसलिए सभी लोग घरों में रहें, घरों में रहकर ही इस बीमारी से लड़ाई जीती जा सकती है। बहुत आवश्यक होने पर ही मास्क लगाकर घरों से बाहर निकलें और काम होते ही घरों में चले जाएं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, लॉकडाउन की स्थिति ठीक है और इस समय लॉकडाउन कम्प्लीटली फॉलो कराया जा रहा है। सभी लोग घरों में सुरक्षित हैं और खाद्यान्न किराना स्टोर के माध्यम से, सब्जी के ठेलों के माध्यम से, दूध और आवश्यक दवाएं, ये सब अवेलेबल है और ऑन डिमांड ऑनलाइन मांग करने पर घरों में सप्लाई की जा रही है। सर, आपके द्वारा कोई अपील नागरिकों से? बस अपील यही है कि सभी लोग सुरक्षित घरों में रहें, अनावश्यक सड़क पे मत निकलें और बहुत विशेष परिस्थितियों में निकलना पड़े तो मास्क अवश्य पहनकर निकलें और अपना कार्य होते ही घरों के अंदर तत्काल चले जाएं। इस संक्रमण को फैलने से रोकना ही केवल इसका इलाज है, इसलिए लॉकडाउन का पालन करें। सर, कुछ लोग अनावश्यक शहर में घूमते हैं, जो आवश्यक अनावश्यक घूम रहे हैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उन्हें थाने में बुलाकर मुकदमा पंजीकृत करने के लिए कह दिया गया।